एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं जमान टेक्नो। मैं हूं कमर जमान और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ओप्पो A37 का। इससे पहले हमने इसी सेट की जो है वो अनबॉक्सिंग की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो वेट है वो आपको मिलता है 136 ग्राम, जो है वो इस मोबाइल सेट का वेट है। और अगर इसमें जो बैटरी यूज़ की गई है उसकी बात कर ली जाए तो वो है 2600 mAh की बैटरी, जो काफ़ी कम है। अगर 2600 mAh की बैटरी आप देखें इसके मुकाबले में, अगर इस सेट में 3000 mAh की बैटरी होती तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर होने वाली थी। और इसके जो है आपको बाकी सेटिंग्स के बारे में बता दें, इसके अबाउट सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन, तो इसमें जो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिलता है दोस्तों वो है 5.1 लॉलीपॉप, और जो इसमें प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है 1.2 GHz कॉलकॉम का प्रोसेसर है। और इसकी जो रैम आपको मिलती है वो है 2 GB, जो इसमें मेमोरी आपको मिल जाएगी वो है 16 GB, 16 GB मेमोरी और 2 GB रैम के साथ जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त सेट देखने में आपको लग रहा है। और आगे इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। उसके अलावा जो इसकी स्क्रीन है वो 5.0 इंच और इसमें जो गोरिल्ला ग्लास 4 यूज़ किया गया है। ओवरऑल इसकी लुक जो है वो बहुत ही प्यारी है और एक स्मार्ट सा सेट है। अगर इसके कैमरे की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे आपको मिलता है 8 MP का विद LED फ्लैश कैमरा, और फ्रंट पे आपको मिल जाएगा 5 MP का कैमरा। ओप्पो क्योंकि सेल्फी सेट है, कैमरा सेट है, ये अपने कैमरे की वजह से जो है ये सेट ज़्यादा जो है वो मशहूर है। तो सबसे पहले आपको इसके कैमरे का ही जो है वो रिजल्ट दिखा देते हैं। इसमें आप दो मेमोरी कार्ड और इसकी सिम के बारे में मैं आपको बता दूँ, आप इसमें दो सिम कार्ड और प्लस एक मेमोरी कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं 256 GB तक। तो इससे हमने कुछ पिक्चर्स बनाई थी, मैं आपको इसकी सेल्फी का रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले कि इस मोबाइल फ़ोन से अगर आप सेल्फी लेते हैं तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के जो है इसका रिज़ल्ट है सेल्फी का। और इससे इंडोर पिक्चर्स जो है हमने बनाई थी, ये इंडोर विद फ्लैश है और ये विदाउट फ्लैश है, और ये इसका आउटडोर पिक्चर का रिज़ल्ट है। तो कैमरे का रिज़ल्ट ओवरऑल ओप्पो का जो है वो ज़बरदस्त है। इनके जो सेट जो भी सेट्स तकरीबन आए हैं उनके कैमरे के रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर रहे हैं। और बात कर ली जाए अगर अब इस सेट के परफॉर्मेंस के बारे में, तो हम इसमें गेम प्ले करके देखते हैं। टेंपल रन हम प्ले कर लेते हैं, ये लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये हमारी गेम प्ले हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है, और ये बिल्कुल भी जो है कोई हैंग होने का इसमें मसला नहीं आ रहा है। गेम जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ये प्ले करता है। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर एक और गेम जो कि स्टैंड ऑफ जो गेम है जो ऑनलाइन जो है आप खेल सकते हैं, वो मैंने इस पर खेल के चेक की थी अभी, क्योंकि अगर मैं उसको प्ले करूंगा तो वो लोडिंग होने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है और ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक दफ़ा वो उस गेम को जो है वो लोडिंग उसकी मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आप उसको प्ले करते हैं, तो फिर स्टैंड ऑफ गेम जो कि ऑनलाइन खेली जाती है उसमें भी आपको किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम या इशू जो है वो नहीं होगा गेम में ना, वो इसमें क्योंकि ना नेटवर्क का इशू आ रहा है उसमें और ना किसी और तरीके से वो गेम जो है वो हैंग हो रही है, और बहुत ही स्मूथली वो गेम इसमें प्ले हो रही है ऑनलाइन गेम। लेकिन उसको स्टार्टिंग में अगर हम लोड करते हैं तो वो लोड होने में जो है वो काफ़ी टाइम इसमें ले रही है। और अगर बात कर लें आप इसके परफॉर्मेंस के कि आप इसको अगर 15 से 20 मिनट जो है वो यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये सेट जो है वो हीटअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्की हल्की जो है वो इसमें हीटिंग होती है सेट में। अगर आप इसको लगातार जो है 15-20 मिनट तक इसमें कोई गेम्स जो है वो आप खेलते हैं या सेट को जो है 15-20 मिनट तक लगातार आप इसमें यूज़ करते हैं, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो के हवाले से या हमारे चैनल के हवाले से आपको कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी और जो है वो हैंडसेट का रिव्यू देखना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी जो है कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसके साथ में एक बेल आइकन बन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो जो है वो अपनी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।